हेलो फ्रेंड, मैंने एक्चुअली देखा हर एक समाज में, हर एक इंसान देखोगे तो क्या करता है, हर एक इंसान परेशान रहता है कि यार मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस में रहता हूँ, यार मेरी जिंदगी तो एकदम पूरा इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। हर एक इंसान क्या कर रहा है, अपनी लाइफ से कंप्लेन कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है कि मैं इससे मेरा इस काम में सक्सेस में नहीं पा रहा हूँ, मेरा मेरे पढ़ाई में अच्छे से सक्सेस नहीं पा रहा हूँ, मैं इस तरह से परेशान हूँ, मेरा जिंदगी व्यर्थ है। हर एक चीज आदमी क्या करता है, अपनी टेंशन को लेकर इतना ज्यादा चिंतित में रहता है, यार मेरा तो ये नुकसान में चला गया, मेरा बिजनेस नुकसान में चला गया, अब मैं क्या करूंगा, यार मेरा फ्यूचर का क्या होगा। हर एक चीज पे क्या करता है आदमी, टेंशन 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 बढ़ाता ही जाता है, लेता ही जाता है। एक्चुअली हमें सोचना चाहिए हमारी लाइफ जो है कोई प्रेशर में रहने की, प्रेशर वाली लाइफ नहीं है ना। एक्चुअली ह्यूमन लाइफ इज अ सो मस्ट ब्यूटीफुल लाइफ, इट इज एन अपॉर्चुनिटी व्हिच वी कैन गिव टू एंजॉय फॉर आवर लाइफ एंड डू फॉर डू न्यू एंड न्यू थिंग्स इन देयर लाइफ, नॉट विद टू डिप्रेस टू टेंस्ड अबाउट देयर लाइफ। यार एक्चुअली सोचना चाहिए, हमें जो लाइफ मिला है डिप्रेस में टेंशन में ऐसे बिता देंगे तो लाइफ का जीने का यार क्या मकसद हो। एक्चुअली लाइफ जो मिला है हम लोग का, हर एक लिविंग बींग में जितने हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमन बींग को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है, वही क्योंकि वही एक ऐसा चीज है जो सोच सकता है कि अपने पूरा हर एक चीज के बारे में, उसके पास मेंटल थिंकिंग होता है, हर एक चीज होता है, फीलिंग होता है, हर एक इम्यूनिटी होता है, हर एक चीज होता है कि वो क्या करता है, फील कर सकता है, अनुभव कर सकता है, कुछ नया कर सकता है। तो एक्चुअली हमें वो करना चाहिए कि हम लोग को जो जरूरत है, हम लोग का ये सोचना चाहिए कि हम लोग का प्रॉब्लम ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम हम लोग का कैसे, प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग का प्रॉब्लम में क्या करें, क्या होगा क्या होगा, ये प्रॉब्लम के बारे में टेंशन और ही करने की जरूरत हमें नहीं है, बल्कि हमें यह सोचना है कि उस प्रॉब्लम से हम लोग डिफेट कैसे कर पाएंगे, उसे हम लोग कैसे हरा पाएंगे, उस पर कैसे हम लोग का विजय प्राप्त कर पाएंगे, और उसको हम लोग को उपाने सोल्यूशन के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। क्योंकि जब प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करे ही जाओगे, करते ही जाओगे, तो क्या होगा, प्रॉब्लम छोटा होगा और ज्यादा बड़ा लगेगा, और ज्यादा उसके अंदर घुसते जाओगे और बड़ा बड़ा पहाड़ बनता जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम कुछ कोई भी प्रॉब्लम है उठा के साइड में रखना है और आपको सोल्यूशन लेके आना है, सोल्यूशन से उसे दबा देना है। प्रॉब्लम कितना भी बड़ी हो उसमें आपको धैर्य की बहुत जरूरत है। आपको यह सोचना चाहिए कि एवरी सिचुएशन इन द ह्यूमन लाइफ इज नॉट परमानेंट, टेम्प्रोरी, हर एक चीज का होता है, टेम्प्रोरी होता है, चेंजेबल होता है, कुछ समय बाद ऐसा होता है, वैसा होता है। कभी आप देखे होंगे आपकी लाइफ में कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ गया कि उस समय बहुत ही दुख का समय था, बहुत ही डिफिकल्ट का सिचुएशन था, बहुत ही हैप्पीनेस का था, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस का था, लेकिन एक्चुअली वो क्या हुआ, वो हमेशा के लिए है। जितना हैप्पीनेस जितना सैड आप पहले थे आज उतना ही है, नहीं है, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजेबल, कंटिन्यूस चेंजेबल, इट्स नेचर, हमेशा क्या होगा, चेंज होगा, कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो होता है एक चीज क्या होता है, इल्यूजन की तरह होता है, एक्चुअली जो दिखता है वो सब होता नहीं है। तो उसे आपको ज्यादा फालतू में अनुभव, ज्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आदमी कंप्लेन करता रहते हैं मेरे पास तो ये नहीं यार, काश मेरे पास ये होता, घर होता, गाड़ी होता, बंगला होता, हर एक चीज में क्या कर रहा है, सोचता जा रहा है। एक्चुअली आप जो लाइफ जी रहे हो ना, वही आपका लाइफ का बहुत लोग क्या हुआ, ड्रीम हो गए, काश मेरी लाइफ इस तरह होती। कभी आप एक्चुअली आपका हेल्दी है, आप ये सोचिए कि मेरे पास हर एक चीज है, बॉडी अच्छे से है मेरे पास मेंटल थिंकिंग है, मेरे पास खाने के लिए घर है, कपड़े है, लेकिन एक्चुअली अगर वही प्रॉब्लम अगर दूसरे से जाके पूछोगे, गरीब इंसान जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अगर उससे जाके पूछोगे ना, तो पूछोगे यार उसकी जिंदगी इतनी अच्छी है, जो जिंदगी तुम अपनी जिंदगी से हेट कर रहे हो कि मेरी जिंदगी सो वरी बहुत ही बेकार है, वही कितने लोगों की जिंदगी का सपना होगा कि काश मेरी जिंदगी आपकी जिंदगी की तरह होती। तो एक्चुअली ऐसा सोचना चाहिए ना कि आपकी कंपेरेबल अगर करना ही, अगर कंपेयर करना है तो क्या करना, कंपेयर नीचे वाले से करना, कभी ऊपर वाले से कंपेयर मत करना। क्योंकि जब ऊपर वाले से जितने ही कंपेरिजन करने लगोगे तो क्या होगा, आप में हमेशा कमी दिखेगी, आप में हमेशा क्या होगा, लो फील होगा, तो आपका जो जिंदगी होगा ऐसे रहेगा, एक्चुअली मैं जिंदगी जीने के लिए नहीं आया हूँ, काटने के लिए आया हूँ, ठीक है, तो ऐसा फील होने लगेगा। तो जो आप जिंदगी जी रहे हो, एक्चुअली बहुत लोगों का सपना होगा, ड्रीम लाइफ होगा कि काश मेरी जिंदगी होती। अब अंधे इंसान से कभी जाके मिलिए, पूछिए, वो अंधे इंसान क्या बोलेगा कि मेरे पास कुछ भी ना रहेगा, खाने के लिए घर कपड़ा, मैं भीख मांग के खा लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, काश मेरे पास आंख होती, मैं देख सकता, नेचर को देख सकता, तुम्हें देख सकता, अपने आप को देख सकता, हर एक चीज को अनुभव कर सकता, फील कर सकता। उससे जाकर पूछो उसको कितना दुख लगेगा जब उसके पास वो आंख ही नहीं होगा। किसी के पास पैर नहीं, मतलब वो चल ही नहीं सकता है, कान नहीं सुन नहीं सकता है, ब्रेन नहीं, मेंटल नहीं, वो सब क्या कर सकते हैं, हैंडीक्रेफ्ट हैं। बहुत इंसान जन्म से हम लोग का बहुत से खतरनाक से बीमारी से जूझ रहे हैं, पैदा हुए उसको बर्थ से हम लोग का हेरिडिटी से कोई प्रॉब्लम की वजह से बीमारी, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है जिसका सोल्यूशन ही नहीं। तो एक्चुअली वो इंसान से जाके पूछो हम लोग का लाइफ मतलब क्या होता है, वो सोचेगा मेरे पास कुछ भी ना है, घर कपड़ा, मुझे गाड़ी घर कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिंपल एक नॉर्मल, मैं नॉर्मल हो जाऊंगी मेरी बहुत काफी। तो वो नॉर्मल लाइफ आप जी रहे हो, तो एक्चुअली टेंशन क्यों करें। जितने भी महान इंसान बने हैं, एक्चुअली महान इंसान जो बने हैं ना, वो पहले से ही महान नहीं रहे थे भाई,
महान होने के लिए उन्हें कुछ करना पड़ा था। वो पहले तुम्हारी तरह नॉर्मल थे, तुम्हारी तरह उनके भी दो ही हाथ थे, दो ही कान थे, दो ही आँख थे, दिमाग एक ही था, बॉडी वैसे ही थे, ठीक है कि नहीं। वो राक्षस की तरह उसका जो शरीर था बहुत ही बड़ा था, ब्रेन जो था 10 किलो का था, ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट लाइक यू, जैसे तुम दिखते हो वैसा वो थे, ठीक है। तो दुनिया का जो देखने का नजरिया है ना, एक्चुअली दुनिया वैसी नहीं होती जैसा आप हो, दुनिया वैसे जैसा आप सोचते हो। तो व्हाट यू थिंक्स द वर्ल्ड इज लाइक दैट, एक्चुअली आप क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, कोई भी इंसान क्या कह रहे हैं, डॉक्टर पढ़ा है, कोई भी इंसान इंजीनियर पढ़ा है, कोई भी इंसान कॉमर्स पढ़ा है, मैनेजमेंट पढ़ा है, तो आदमी ये नहीं सोचता व्हाट आई वांट टू डू, क्या मैं चाहता हूँ, ये नहीं सोचता है। या सोचता है कि यार घर से प्रेशर आ रहा है तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जा, ये फलाना का लड़का कर रहा है, इट्स सो प्रॉफिटेबल, इसमें बहुत ज्यादा इनकम रहता है, बहुत ज्यादा पैसा रहेगा, इज्जत रहेगा, रेस्पेक्ट रहेगा। तो आदमी ये क्या देखता है, बचपन से उस आदमी के घर वाले क्या करते हैं, हर एक बच्चे के ऊपर क्या करते हैं, किस चीज का हम लोग क्या कर देते हैं, उसका जो होता है मानसिक पे क्या करते हैं, असर पड़ते जाता है। उसको बच्चे को छोटे से क्या कर देते हैं, ट्रेन कर देते हैं, उस बच्चे का दिमाग जहन में बात बैठ जाता है कि मेरा लाइफ अगर जीना है तो मुझे डॉक्टर ही बनना है, लाइफ मुझे जीना है मुझे इंजीनियर ही बनना है, तभी मेरा लाइफ क्या सक्सेसफुल है, नहीं तो नहीं है। तो उस बच्चे के जहन में ही लग जाएगा, तो पानी लाइफ जो होगा क्या करेगा, प्रेशर की तरह जीने लगेगा, प्रेशर की तरह जिएगा। तो एक्चुअली प्रेशर लेने की कोई वही नहीं कि प्रेशर मतलब, क्योंकि एक्चुअली जब इंसान कभी देखो आप जब हमेशा हैप्पीनेस रहते हो, एक्चुअली माइंड फ्रेश रहता है, तो आप जो कार्य कर रहे हो, जो कार्य करने वाले, तो उसमें आपका क्या होता है, पूरा 100% फोकस होता है, कोई बाहर वाला चीज डिस्टर्बेंस के लिए नहीं होता, आपका फोकस क्या होता है 100% उसी पे फोकस होता है। तो जब 100% फोकस होगा तो जहां आप उसे 10 मिनट में कर रहे थे, उसे जहां 10 घंटा लग रहा था, उसको आप शायद 2 ही घंटे में, 4 ही घंटे में, 5 ही घंटे में खत्म कर दोगे। तो डेट्स मीन द फोकस, डेट्स मीन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फोकस कंसंट्रेशन टुवर्ड्स इट। तो एक्चुअली जो दूसरा कर रहा है उसी के पीछे मत भागो, ये पूछो कि तुम क्या चाहते हो, ये मत देखो कि मुझमें उसमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो जो प्रोफेशन तुम एक्चुअली ऐसा 100% तो नहीं होता कि जो तुम प्रोफेशन चाहते हो, जो तुम्हें जो तुम्हारी स्किल होता है, टैलेंट होता है, जो तुम्हारा फैशन होता है, उसे प्रोफेशन में तो नहीं उतार सकते, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो ना कि मेरा जो कार्य है, मेरा जो प्रोफेशन है, मैं उसको, जो मेरा फैशन है, मैं अपने पैशन को किस में चेंज करूंगा, अपने प्रोफेशन में चेंज करूंगा, इस तरह से अगर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जो होता है, अगर तुम मान लो कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका वो पैशन है, इंटरेस्ट है, लगाव है, रुचि है, तो क्या होगा, वो प्रोफेशन कैसा भी हो उसमें मान लो, जैसे बोलते हैं ना लव, तो ऐसे होता है कि उसका कैसा भी सिचुएशन, उसमें आपको पैसा कम मिले, ज्यादा मेहनत करनी पड़े, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उसे क्या करेंगे, फेस कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी, आपको जस्ट आप थोड़ा क्या लगेगा, थोड़ा इम्बेलेंसिंग लगेगा, लेकिन आप उसे अच्छे से बाद में मैनेज कर लोगे। बिकॉज इन दैट थिंग्स यू हैव अ इंटरेस्ट, यू हैव अ नॉलेज, क्वालिफाइड, यू आर सो इंटरेस्टेड टू डू इट। अगर आपकी चीज में, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मान लेंगे बोलेंगे ये कर लो ये कर लो, तो उसी में आप जब चले जाओगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट तो था नहीं, आप तो इंटरेस्ट गए नहीं थे, आप किसके लिए गए थे, पैसा ज्यादा है, इसमें इज्जत ज्यादा है, रेस्पेक्ट ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा मेरे लोगों का कि आई एम सो सक्सेसफुल इंसान, ये सोच के गए थे। तो क्या होगा, एक्चुअली आप मान लेना आप पढ़ भी लेंगे ना, तो लास्ट में कहीं ना कहीं जब आपकी उम्र हो जाएगी, एज हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं से आपके दिल में, दिमाग में सवाल जरूर आएगा कि काश यार मैंने थोड़ा बहुत प्रयास कर लिया होता तो आज मेरी लाइफ शायद इस तरह होती, उस तरह होती। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि कभी ऐसा अफसोस ना हो जिंदगी में कभी कि मेरी लाइफ तो यार बर्बाद हो गई, यार थोड़ी सी गलती की वजह से मैं क्या करना चाहता था, क्या कर लिया, क्या मेरी लाइफ होने चाहिए थे, मैं कहाँ पर आके पहुंच गया। तो एक्चुअली ऐसा नहीं, ऐसा मैं चाहता हूँ कि ऐसे किसी की लाइफ में मत हो, आप जो भी चाहते हैं पूरा दिल से करें कि डायरेक्ट ना, क्योंकि आप अगर आप दिल से कोई भी चीज़ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने में क्या करती है, बहुत ज़्यादा क्या करती है, उसे मिलाने में पूरा एकदम पूरा कायनात भी मिल जाते हैं, छुप जाते हैं उसके आगे। तो ऐसा आपको करना चाहिए, लेकिन आपको जिद्दी होना, बहुत ज़्यादा जिद्दी होना, नॉलेजेबल होना, हर एक चीज़ पे क्या करना, बहुत ज़्यादा फोकस करना बहुत ही जरूरी है। आप कोई भी काम करो, जरूरी नहीं कि कोई भी काम जो होता है छोटा बड़ा काम नहीं होता है, उसमें क्या होता है छोटा बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन आप कोई भी काम करो तो काम ऐसा करो कि लगना चाहिए कि काम को हाँ तुम कर रहे हो, इसको पूरा ध्यान लगा दो, उसमें 100% लगा दो, ये सोचो कि ये मेरे लिए काम बहुत ही लास्ट, मेरे लिए जिंदगी में पहला काम है और मेरे लिए लास्ट काम है, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा, और हो सकता है मौका भी ना मिले, तो इस काम को ऐसे फोकस के साथ करना, इसमें चाहे सक्सेस मिले या ना मिले उसका बात अलग है, लेकिन मुझे अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी, उसमें 100% फोकस लगा के करना, ठीक है। कोई भी काम करो आप उसमें एकदम परफेक्ट हो जाओ, पर प्रो बनने की कोशिश करो, क्या छोटा नहीं, कोई छोटे भी चीज में रहो ना, तो क्या करो कि आपको उसमें एकदम बेस्ट से बेस्ट वर्जन बनना है, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट वर्जन बनना है।
ना कि आप कोई बड़ा चीज में घुस जाओ और उसमें जाके एकदम लो पॉइंट में रहो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कोई कि लो पॉइंट में रहो तो सिंपली आपको वैसे ही लो की तरह देखेंगे, ट्रीट करेंगे। तो एक्चुअली ऐसा होता है, कभी देखे ना जो एक्चुअली आदमी के अंदर जब कोई प्योर क्वालिटी होती है ना, कोई प्योर क्वालिटी होती है, कोई नेचर होता है, तो क्या होता है मालूम है, जो दिल में होता है तो दिल में क्या करता है, जो हम लोग का ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, एक चीज होता है, चमकने लगता है। हम लोग का जो आयरन तो थोड़ा सा, अगर उसमें क्या हो गया हम लोग का, उसको क्या करेंगे, अगर जो हम लोग का कोई सिल्वर का मान लीजिए पानी चढ़ा हुआ है, प्लेटिंग के इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, गोल्ड के इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो उसे थोड़ी थोड़ी रब कर दोगे, दांत आग में झिका दोगे, तो क्या होगा, पूरा पानी जो होगा पूरा लॉस्ट कर देगा, पूरा पानी कैरेक्टर में आ जाएगा। तो इस तरह मत बनो कि यार मैं ऊपर से सिर्फ दिखौटी के लिए बनू, आप एकदम प्योर गोल्ड प्योर डायमंड की तरह बनो, कि दिन में चमको या मत चमको, दिन में क्या करते हैं कांच वाच सब बोलते हैं, देह में चमक रहा हो, लाइटिंग करना हो तो कर सकता है, चैलेंज मारते घूमते हैं, लटक पटक करते हैं, लेकिन जब रात आती है तो क्या होता है, सबकी क्या होती है, एकदम पूरा जीरो में आके गिर जाते हैं, मतलब कुछ नहीं उनका, मतलब कुछ नहीं, लेकिन क्या करते हैं रात में हीरा क्या करता है, चमकता है। तो ऐसा एक्चुअली ऐसा खुद को बनाओ कि दिन हो या रात हो ये मायने नहीं रखते, दिन में तो सब चमकते हैं, जहां पर कोई नहीं जा सकता वो उस काम को मैं करूंगा, उस लायक अपने कैरेक्टर को, अपने जो अपने नॉलेज है, अपने स्किल है, क्रिएटिविटी है, उस लायक अपने क्रिएटिविटी को डेवलप करूंगा, कि ताकि दुनिया जो है मुझे एक अलग नजर से डायमंड की तरह देखे। दिन में तो सब देखते हैं, दिन में कौन किसको फोकस करेगा, कोई भी परेशानी आ जाए, मुझे आग में डाले, कहीं भी डाले, उसको क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो मेरा जो क्वालिटी है, मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा जो स्किल है, उसको क्या भी कोई भी इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा ही चीज है क्या है हम लोग का, जो बहुत ही लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट हम लोग का प्रॉफिट देता है, वो भी एजुकेशन, स्किल, क्रिएटिविटी। अगर आपके पास मान लें बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट लगा तो बिजनेस हम लोग का आपका फ्लॉप हो सकता है, आपको घाटा दे सकता है, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट कोई भी लगाओ तो वो घाटा दे सकता है, आपको लाइफ टाइम के लिए सस्टेनेबल अचीवमेंट नहीं कहते। लेकिन शिक्षा, नॉलेज, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, इसके लिए एक ऐसा चीज है जिसका आपको इन्वेस्टमेंट, जिसको आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं तो समझ जाना इसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आपका मतलब टाइम का इन्वेस्टमेंट, आपका लर्निंग कैपेसिटी का इन्वेस्टमेंट, आपका जिज्ञासा क्यूरियोसिटी कितना था उसमें, इसका इन्वेस्टमेंट। अगर जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया होंगे ना, इसका प्रॉफिट आपका जीवन के अंत तक मिलेगा, जब तक आप दुनिया में रहोगे ना कहीं से इसका इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा। एजुकेशन मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप पढ़ लो, पैसा कमाओ। एजुकेशन एक एजुकेटेड इंसान का और अनएजुकेटेड इंसान का क्या होता है, लाइफ एकदम पूरी तरह से चेंज होता है, बहुत ही डिफरेंट उसमें पता चल जाता है। क्योंकि जो एजुकेटेड इंसान होता है ना, पैसे की बात हमेशा नहीं होती, वो क्या होता है अपना जो जीवन जीने का एक तरीका होता है, उसका जीवन लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, अलग ही होता है, उसका सोच जो होता है, उसके फैमिली में क्या होता है, हमेशा बहुत ज़्यादा खुशियाँ रहेगी, हैप्पीनेस हैप्पीनेस रहेगा, हम लोग का हारमोनियस रहेगा, रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन रहेगा, वो क्या करेगा अपन लाइफ अच्छे से हैप्पीली सर्वाइव करेगा, उसका लाइफ बहुत ही डिफरेंट रहेगा वेल अनएजुकेटेड पीपल से, एक्चुअली कंपेयर कर सकते हैं आप। तो एक्चुअली खुद में कमियां नहीं निकालना चाहिए, अगर कमी जब निकाल ही रहे तो क्या करें, कमी को लेके मत बैठो, कमी निकालना इट्स सो नाइस। कभी कभी आपको आपकी कमी नहीं दिखाई देती, दूसरा कोई बताता है तो उसे बुरा मत समझना कि सी टेल माई मिस्टेक्स, आई कैन डू दिस, सी प्रूव डेट आई सी ही लो डेट, ऐसा मत सोचना कि कोई मुझे साबित करना चाहता है तुम लो हो ये हो, अगर मैंने कोई करना भी चाहता है तो उससे आपको हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव की तरह लेना है, क्योंकि गलतियां जो होता है खुद में इंसान को कभी खाली गलतियां आदमी को खुद ही नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब खुद ही दिखाएगी तो उसे इम्प्रूव कर लेगा ना। कभी कभी जो क्या होता है, क्योंकि आदमी हर कोई जो होता है अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहता है, तो आपके हर एक गलती आपको आप ही को खुद नहीं दिखाई देगा, तो दूसरा जब कोई आपकी गलती बताए, कमियां बताए, तो उसे नेगेटिव की तरह मत सोचना कि यार मेरे लिए तो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है यार, मुझे ये कहा बहुत ही महान इंसान है, तो उसे आपको एकदम थैंकफुल बोलना चाहिए क्या, कि मतलब कि इसकी वजह से मुझे मौका मिला कि मैं अपना जो मिस्टेक है, अपना मिस्टेक जो अपना गलती है उसे क्या कर सकूंगा, इम्प्रूव कर सकूंगा, उसे हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, देना चाहिए, ठीक है। तो इसे जो गलतियां होते हैं, छोटी छोटी गलतियां होते हैं, हमेशा क्या करो, बड़ा टारगेट बनाओ, टेक अ बिग टारगेट, लेकिन इफोर्ट क्या करो, छोटे छोटे इफोर्ट करते जाओ, छोटे छोटे कार्य करते जाओ, उससे रिलेटेड नॉलेज पूरा एक्वायर करते जाओ, जिस सेक्टर में आपका काम है, मन लग रहा है, ठीक है। तो कभी ऐसा मत फिल्टर लाइफ कि यार मेरा तो लाइफ यार सो बेकार हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कभी कंपेयर मत करना, यह सोचना कि मुझे इसे बेस्ट कैसे बनाना है, इंप्रूव किसे कहना है, इस पे फोकस देना, प्रॉब्लम पे फोकस कभी मत देना, क्योंकि प्रॉब्लम पे जितना ही फोकस देखो, प्रॉब्लम इज सो क्रिएटेड, सो बिग एंड यू आल्सो विद द लो 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 एंड फाइनली यू डाइड ऑफ द हार्ट अटैक, डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड ब्रेन स्ट्रोक एवरीथिंग। सो सिंपली आई कैन टोल्ड इट लाइक आई यू हैव टू सर्वाइव योर लाइफ एज योर इंटरेस्ट, व्हाट यू वांट नॉट टू बी द अदर पीपल वांट योर लाइफ टू डू दैट एंड सर्वाइव पॉसिबिलिटीज।
अंडरस्टैंड दुनिया, एक्चुअली दुनिया जो चाहते हो वैसे तुम मत बनो यार, तुम जो चाहते हो वो बनो, जबकि जो तुम्हारा क्वालिटी होगा अगर उस पे अगर तुम स्टैंड होगे, खड़े होगे, तो क्या होगा, दुनिया तुमसे इंस्पायर लेगी। अभी क्या करता है, अभी दुनिया आपको इस तरह दिखा रहा है, वैसा कह रहा है, वैसा दिखा रहा है, कोई यार एक्चुअली 100% राइट है कि आपको बोलेगा जिस तरह, वो अपने अनुसार, अपने एक्सपीरियंस अनुसार, अपने अनुभव अनुसार बोलेगा तुम ऐसा करो वैसा करो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका जो बात है 100% सही है, एक्यूरेट है। तो इसीलिए हमेशा अपने तरफ से उसका नॉलेज लो, हर एक इंसान का सुनो, हर एक इंसान जो बोल रहा है उसे समझो, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, लेकिन जो लास्ट में अपना डिसीजन लो ना, डिसीजन खुद के लो, डिसीजन खुद के लो कि मान ली कोई जब प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें मैं फेस कर सकूं, ये मत बोल सकूं बाद में कि यार मेरी जिंदगी इसकी वजह से बर्बाद होगी, इसकी वजह से बर्बाद होगी, मैंने कहा से ऐसा डिसीजन ले लिया था। तो ऐसा बाद में कभी सोचने की मौका ना दो खुद को, ठीक है। तो कोई भी काम करो दिल से करो, पूरा एकदम जी जान लगा के करो, मेहनत से करो, जिद बन के करो, फेल हो रो फिर उठो फिर करो, डू 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 डैट। सो सिंपली इतना था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।